अर्जुन के महान धनुर्धर होने के दंभ रूपी विकार को समाप्त करने के लिए मुझे ये पग उठाना ही होगा। ये कैसे हो गया? मैंने तो मात्र स्पर्श ही किया था। अवश्य ही सेतु की रचना में कुछ त्रुटि रह गई है, या कदाचित आपने मुझ जैसे तुच्छ वानर के भार को कम समझा होगा। आप एक बार पुनः सेतु बनाइए ना, मुझे विश्वास है कि अब कोई त्रुटि नहीं होगी। इस बार अवश्य ही आपका बाण सेतु सुदृढ़ बनेगा। जाओ, अब जाकर देखो इस सेतु की सुदृढ़ता। अब तुम वानरों की पूरी सेना आ जाए, स्वयं महावीर हनुमान भी आ जाए, तब भी ये सेतु नहीं हिलेगा। आप तो सत्य कह रहे हैं, किंतु अभी मैं एकाकी ही हूँ। आपके इस सुदृढ़ सेतु पर चढ़ने का सौभाग्य मैं ही प्राप्त कर लेता हूँ। आगे बढ़। ये सब आपस में ही गूंथे रहते हैं ना, इसलिए छोटी सी भी त्रुटि से ये ढह जाता है। आप पुनः प्रयास कीजिए। इस परीक्षण में तो सफल रहा आपका ये बाण सेतु। अब आगे का परीक्षण। अब आगे भी कुछ नहीं होगा, तुम चाहे इस पर कूदो, इस पर नृत्य करो, ये नहीं टूटेगा। अब इस पुल में कोई त्रुटि नहीं होगी। ये आज क्या हो गया है मेरे बाणों को? मैं समझ गया, आप मेरे साथ परिहास कर रहे हैं। आप बना दीजिए ना सुदृढ़ सेतु। आप तो अर्जुन हैं, जग प्रसिद्ध धनुर्धर। मेरी भांति कोई साधारण वानर नहीं हैं आप। आप एक बार पुनः बनाइए, ये कल्पना करके कि इस सेतु पर किसी प्रिय के प्राण टिके हुए हैं। यदि यह सेतु बीच समुद्र में टूट गया तो उसके प्राण जा सकते हैं। फिर देखिए, अवश्य ही सुदृढ़ सेतु बन जाएगा। अब ना जाने क्या होने वाला है। अब नहीं टूटेगा ये सेतु। ये तो पुनः टूट गया। मेरे बाण इतने शक्तिहीन कैसे हो सकते हैं, जो एक वानर का भार तक नहीं सह पा रहे हैं? ये मेरे साथ क्या हो रहा है प्रभु? प्रभु, अर्जुन को तो अभी आपके कृष्णावतार के साथ महायुद्ध में अपना पराक्रम दिखाना है। इस प्रकार तो उनका अभिमान ही नहीं, मनोबल भी टूट जाएगा। फिर वो कैसे महायुद्ध कर पाएंगे? आप सत्य कह रही हैं देवी। मुझे अपने भक्त हनुमान को उचित निर्देश देना होगा। ये क्या, आपके मुखड़े पर निराशा के चिन्ह? आप महायोद्धा हैं, कुंती नंदन है,
और योद्धा तो कभी भी निराश नहीं होते। प्रयास करने वाले को ही विजयश्री की प्राप्ति होती है। आप पुनः प्रयास कीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो आपने कहा आप वो कर सकते हैं। गुरुदेव द्रोणाचार्य, आपकी दी हुई शिक्षा की लाज रख लीजिए ताकि इस बार मैं असफल ना हूँ, मेरे बाणों से बना सेतु धराशायी ना हो। अब अर्जुन अभिमान के विकार से मुक्त हुए हैं। अर्जुन की इतनी कड़ी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए हनुमान को, कहीं अभिमान टूटने के स्थान पर उसका आत्मविश्वास ही ना डिग जाए। सेतु हिलते हिलते अकस्मात ही स्थिर कैसे हो गया? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि सेतु हिलते हिलते स्थिर हो गया और सेतु ने हनुमान का भार भी संभाल लिया? ऐसा सुखद आभास क्यों हो रहा है मुझे, जैसे मेरे प्रभु यहीं कहीं हैं। हे प्रभु, आप यदि यहाँ हैं, तो आप ही कोई संकेत दीजिए कि अचानक ये सेतु इतना सुदृढ़ कैसे हो गया, जो मेरे कुछ भी करने पर नहीं टूट रहा। क्या हुआ, रुक क्यों गए वानर महोदय? जितने इच्छा है उछल कूद करके देख लो, मेरे बाणों से बना हुआ ये सेतु अब नहीं टूटने वाला। अब तो विश्वास हो गया होगा ना तुम्हें कि प्रभु श्री राम की संपूर्ण सेना मेरे इस सेतु पर इस सागर को लांग सकती थी। मेरे समस्त प्रयास विफल हो रहे हैं, सेतु डगमगा तक नहीं रहा मेरे कूदने से। तुमने सत्य कहा था वानर, प्रयास करते रहने से सफलता अवश्य प्राप्त होती है। देखो कितने सुदृढ़ सेतु की रचना कर दी मैंने। ये सेतु मेरे भार से तो नहीं टूट रहा, मुझे थोड़ा और प्रयास कर तोड़ना चाहिए इसे, अन्यथा कहीं अर्जुन का अहंकार पुनः जागृत ना हो जाए। हाँ, तो वो आप ही थे जिन्होंने कुर्मा अवतार लेकर अर्जुन के सेतु को संभाल कर उसे गिरने से बचा लिया। हाँ प्रिय, जब मेरे राम अवतार में मेरा, मेरे परिवार का, मेरे समस्त दायित्वों का, रघुकुल के कार्यों का, मेरी सेना का सारा बोझ सदा हनुमान उठाते रहे, तो अब ये मेरा समय था उनका बोझ अपने ऊपर उठाने का। अब कितने भी उछल कूद कर लो वानर महोदय, ये सेतु नहीं टूटने वाला। बड़े अचरज की बात है, सेतु पर मेरी उछल कूद का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। थोड़ा और शक्ति लगाकर देखता हूं। अर्जुन द्वारा रचित इस सेतु की इस दृढ़ता से तो मैं भी अचंभित हूं। क्यों, अब बोलो, क्या मेरा बना हुआ सेतु प्रभु श्री राम और उनके सैनिकों द्वारा बनाए गए सेतु से अधिक स्थिर, अधिक सुदृढ़ नहीं है? जब से मुझे प्रभु की उपस्थिति का आभास हुआ है, तभी से यह सेतु अचानक टूटने के स्थान पर अड़िग हो गया। कहीं हाँ वानर महोदय, जल में डुबकी लगाकर भी इसका निरीक्षण कर लीजिए आप, मुझे विश्वास है तब भी इसे इतना ही सशक्त पाएंगे।
कच्छप? तो स्वयं प्रभु ने ही कच्छप रूप में पांडव श्रेष्ठ अर्जुन का सेतु अपने ऊपर संभाल रखा है। मेरे प्रभु श्री राम कुर्मा अवतार लेकर आए हैं यहाँ। प्रणाम प्रभु। कैसा मूढ़ मति हूं मैं, ये मैं क्या कर बैठा? इस सेतु को तो प्रभु ने अपनी पृष्ठ पर टिका रखा है और मैं उस पर अपने संपूर्ण भार के साथ उछल कूद कर रहा था। कितना कष्ट दिया मैंने प्रभु को। प्रभु, मेरे प्रभु, हे प्रभु श्री राम, इस रूप में पुनः आपके दर्शन प्राप्त कर आपका ये भक्त धन्य हो गया प्रभु। किंतु मेरा दुर्भाग्य है प्रभु कि मेरे कारण आपको इतनी पीड़ा हुई। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। कोई बात नहीं हनुमान, तुम तो मेरे परम भक्त हो और भगवान को अपने भक्तों का बोझ उठाने में आनंद ही आता है। और फिर पीड़ा कहाँ हुई मुझे? मुझे तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा तन सहला दिया। किंतु प्रभु, आपने इतना कष्ट उठाया ही क्यों? यदि मुझसे कुछ अनुचित ही हो रहा था तो आप मुझे मात्र एक संकेत ही दे दिए होते, मैं तो उसी क्षण रुक जाता प्रभु। यहाँ आपके इस हस्तक्षेप का कारण नहीं समझ सका मैं। हनुमान, ना ही तुमने कुछ अनुचित किया है और ना ही तुमने कोई भूल की है। अर्जुन का अभिमान खंडित करना अति आवश्यक था, किंतु उसके साथ उसका आत्मविश्वास स्थापित रखना भी तो आवश्यक था, क्योंकि आगामी काल में धर्म युद्ध में प्रमुख भूमिका निभाना ही उसकी नियति है। मैं समझ गया प्रभु, अब मैं आपको ना ही कोई कष्ट होने दूंगा और ना ही कोई चिंता। अब आप अर्जुन को लेकर निश्चिंत हो जाइए प्रभु, मैं उनके आत्मविश्वास को कदापि ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। तुम्हारा कल्याण हो हनुमान। प्रणाम प्रभु, मैं आपका आशय पूर्ण रूप से समझ गया हूं। दंभ विनाश का सूचक है, किंतु आत्मविश्वास के बिना मनुष्य अपनी नियति को कभी नहीं पा सकता। धर्म की स्थापना के लिए अर्जुन का आत्मविश्वास स्थिर रहना अति आवश्यक है। क्यों वानर जी, कर लिया नीचे से भी निरीक्षण? अब तो मेरे पराक्रम को लेकर तुम्हारे मन में कोई संदेह तो शेष नहीं रहा होगा ना? हाँ श्रेष्ठ धनुर्धारी महायोद्धा अर्जुन, आपने अपनी धनुर्विद्या के ज्ञान को प्रमाणित कर मेरे समस्त संदेह मिटा दिए। मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ कि आपने मेरे जैसे एक तुच्छ वानर को संतुष्ट करने के लिए इतना श्रम किया। आभारी तो मैं भी हूँ आपका वानर महोदय, मुझे ये समझाने के लिए कि कभी कभी मेरे बाण विफल भी हो सकते हैं, इसलिए मुझे और सचेत रहने की आवश्यकता है। किंतु अंततः आप विफल नहीं हुए ना? अंत भला तो सब भला अर्जुन जी। हाँ, किंतु हमें सदा स्मरण रखना चाहिए कि आत्मविश्वास से किया हुआ कार्य हमेशा सफलता की ओर ले जाता है, तो अति विश्वास हमें संकटों के मुख में धकेल सकता है। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए और आप जाकर रामेश्वरम महादेव के दर्शन कीजिए। मुझे विश्वास है आपके पराक्रम से प्रभावित होकर उनकी कृपा दृष्टि आप पर अवश्य पड़ेगी और उनका अंश अवश्य समय पड़ने पर जीवन में एक बार आपकी सहायता के लिए अवश्य प्रस्तुत होगा। ये विचित्र वानर महोदय कौन थे और वो अभी मुझसे क्या कह गए?
किसी आगामी संकट की सूचना दे गए अथवा उनके इन शब्दों में उस संकट से रक्षा का आशीष निहित था। प्रणाम देवकी नंदन, आप यहां कैसे? क्या करूं धनुर्धारी अर्जुन, विवश होकर आना ही पड़ा, अन्यथा आपका ये सेतु टूटकर बिखर जो जाता। मुझे कूर्मा अवतार धारण कर सेतु को अपने पृष्ठ पर स्थित करना पड़ा, तब जाकर संभला है आपका ये सेतु। क्या ये आप क्या कह रहे हैं? अर्थात मेरे बाण इतने शक्तिशाली भी नहीं कि एक एक साधारण वानर का भार संभाल सके? साधारण? प्रिय अर्जुन, जिसे आप साधारण वानर समझ रहे हैं वो स्वयं हनुमान है। प्रभु श्री राम भक्त हनुमान? हाँ अर्जुन, आपके मन में छाए अहंकार को ही तोड़ने आए थे वो, और मेरे कहने पर यहां से चले गए, क्योंकि मैं आपके आत्मविश्वास को टूटते हुए नहीं देखना चाहता था। अहंकार वश मैं उनका वास्तविक परिचय नहीं पा सका, उनका उचित अभिवादन कर उनसे आशीष नहीं प्राप्त कर सका, मैं भगवान हनुमान को नहीं पहचान सका। हृदय छोटा मत कीजिए प्रिय अर्जुन, जहां तक कि मुझे ज्ञात है हनुमान आप सभी से उन्हें अवश्य भेंट करेंगे, तब आप अपने हृदय की ये इच्छा भी पूर्ण कर लीजिएगा। प्रभु, आज मैंने हनुमान जी से विनम्रता का बहुत बड़ा पाठ सीख लिया। शक्ति तभी सुहाती है जब उसका उपयोग विनम्रता के साथ किया जाए, ये आज मैं भली भांति जान गया हूं। हे प्राण बल्लभ, तो क्या आप अर्जुन को उचित मार्ग दिखाने के बाद विनम्रता का पाठ पढ़ाने के पश्चात भी हनुमान जी उनसे पुनः मिले? हाँ देवी, मात्र अर्जुन से नहीं, इस बार वो पांचों पांडव भ्राताओं से मिले, किंतु उनकी ये भेंट इस बार अर्जुन के कारण नहीं अपितु गदाधारी महाबली भीम के कारण हुई थी। महाबली भीम के कारण? हाँ प्रिय, वही महाबली भीम जिनका तन अत्यंत बलिष्ठ था। जिनके पग धरने से ही धरती थर्रा उठे। जिनकी भुजाओं में 10 सहस्त्र गज का बल समाता हो। प्रकृति भी पराजित होगी महाबली भीम के पराक्रम से, ज्वालामुखी में होगी अपार शक्ति और ऊर्जा, किंतु भीम भी किसी से कम नहीं। अपनी भुजाओं में उठाकर इस टीले को, इस ज्वालामुखी से रक्षा करूंगा इन निरीह प्राणियों की, प्रमाणित कर दूंगा अपने अपार बल को।
तुम सुरक्षित हो। जाओ, महाबली भीम तुम्हें भयमुक्त करता है। ये गाथा है धर्म के सम्मान की, सब सुधि जन देखे लीला श्री हनुमान की। किसी भी व्यक्ति का बलवान होना उसके लिए गर्व की बात होती है, किंतु बल का अभिमान होना अनुचित है।